और टेररिज्म के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है वॉर और टेररिज्म दोनों के अंदर बजाहिर सिविलियंस का नुकसान होता है लेकिन वॉर जब लड़ी जाती है तो उसका जो डायरेक्ट टारगेट होता है वो दूसरे मुल्क की आर्मी को बनाया जाता है लेकिन जो टेररिज्म है उसमें बुनियादी तौर पर जो सबसे डायरेक्ट टारगेट होते हैं वो सिविलियंस होते हैं क्यों होते हैं सिविलियंस क्योंकि जितना सिविलियंस का लॉस होगा उससे जो फियर है वो सोसाइटी में क्रिएट होगा क्योंकि आर्मी और वॉर का एक बेसिक रिलेशनशिप है उनकी ट्रेनिंग होती है टू फाइट अगेंस्ट द अदर आर्मी लेकिन जो सिविलियंस होते हैं अगर उनको जगह जगह उनको टारगेट किया जाएगा तो जो उससे जो सोसाइटी के अंदर जो एलिमेंट ऑफ फियर जो है वो क्रिएट होगा लोग खौफ ज़दा होंगे और उस खौफ ज़दा होने का ही बेनिफिट लेता है टेररिस्ट जो है और उसका बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि जितना खौफ होगा तो लोग जो हैं वो खौफ ज़दा होने से सबसे पहले क्या होगा कि उनका अपने हुकूमत के साथ अपनी अथॉरिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो वीक हो जाएगा सो हेयर द थ्योरेटिकल व्यूज़ ऑन वॉर मेकिंग देर आर मैनी Important contributors; those have their perspectives regarding uh, the uh, war making. That uh, there are important two perspectives, uh, which is shared by the political sociologist. They think that there is uh, the rise of nation states that took place two settings: that the capital intensive and the coercive intensive. यानी जो स्टेट्स हैं उनके लिए दो बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं एक तो कैपिटल इंटेंसिव यानी वो रियासतें जो कि अपनी इकनॉमिक बेस की वजह से मज़बूत होती हैं और दूसरी जो है कोर्सिव इन इंटेंसिव कोर्सिव का मतलब है कि जिनके पास ऐसे टैक्टिक्स होते हैं कि वो तशद का रास्ता इख्तियार करके दूसरों को अपने जेर असर लाती हैं यानी एक कैपिटलिस्ट रेंट्स को इख्तियार करके अपने ज़ेर असर लाती हैं और दूसरी जो हैं वो, वो कोर्सिव मेथड्स को यूज़ करके अपने ज़ेर असर लाती हैं यानी फिर वॉर की सिचुएशन क्रिएट करती हैं वो तो ऐसी थिंक दैट द वॉर मेकिंग इन्फ्लुएंस द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट ऑल्सो मिलिट्री एंड सिविलियन एजेंसी शेप्स ईच अदर बहुत आम फहम सी बात है कि जो दुनिया के अंदर जब कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर स्ट्रगल हुई तो फिर बहुत सारी नेशन स्टेट्स जो हैं वो दुनिया में बनी हैं और फिर बाकायदा तौर पर मिलिट्री और जो सिविलियन जो अदारे थे उन्होंने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया और फिर नेशन स्टेट्स जो हैं उनका राइज हुआ बट नाव द पॉइंट एट द फ्यूचर ऑफ वॉर मेकिंग यहाँ तो हमने देखा कि कैपिटलिस्ट स्टेट्स या कोर्सिव स्टेट्स मुख्तिफ़ मैथड्स यूज़ करके वार की तरफ दुनिया को ले जाती हैं बट वट विल बी द फ्यूचर ऑफ वॉर मेकिंग वार्स ऑन स्टेट लेवल्स शिफ्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स अब यह हुआ कि वार्स जो हैं वो डायरेक्टली रियासतों के माबैन नहीं हैं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स की अहमियत जो है वो ज़्यादा होती जा रही है किस तरीके से दैट इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी मोर इंटरनेशनल बॉडीज दैट मीडियट डिस्प्यूट इंटरनेशनल नॉम्स दैट डेज वॉर बट

जो फ्यूचर वॉर है मुस्तबिल के अंदर जो जंगें हैं वो रियातों को ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर ही लड़ी जाएँ बॉर्डर की रियास्तें ट्रेडिशनल वॉर मेकानज़म ख़त्म नहीं हो रहा दुनिया से उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें एडअप हो रही हैं यानी वो ट्रेडिशनल मेथड जो हैं अब उनके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ वॉर जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं उससे क्या हो रहा है अब जो फ्यूचर वॉर है दैट इज़ बिकमिंग वाइड स्प्रेड मोर वाइड स्प्रेड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वेयर नेशन स्टेट्स आर रिप्लेसड बाई लार्ज एंटिटीज दैट इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर बोथ टेरिट्री एंड रिसोर्स सो अब जो दुनिया के अंदर नई जंगें होंगी उसके अंदर कैजुअल्टीज जो होंगी वो मिलट्री की भी होंगी वो सिविलियन की भी होंगी और उसके साथ साथ जितने ज़्यादा जो वॉर क्राइम्स की जो लिस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है और अब आज की दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि सुसाइडल बॉम्बर्स से लेकर जो टारगेट किलिंग ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन है ये न्यू वॉर्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो कन्वर्ट हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं इनमें से कुछ टेररिस्ट के ट्रेंड्स हैं और कुछ वॉर सिचुएशन में भी प्रैक्टिस हो रहे हैं